हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, वर्पेट इंजेक्शन के बारे में जानेंगे कि भाई वर्पेट इंजेक्शन कब लगाया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, काम कैसे करता है, साइड इफेक्ट सावधानियां, इसका डोज क्या रहता है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट है, कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाए जाते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं वर्पेट की। तो वर्पेट एक ब्रांड नेम है, वर्ने हेल्थ केयर नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको बनाती है। लगभग 50 रुपये में ये इंजेक्शन मिल जाता है, 50 मिलीग्राम पर ml की स्ट्रेंथ में ये आता है। इसके अंदर बेसिकली पाया जाता है पैथिडाइन हाइड्रोक्लोराइड एक एनाल्जेसिक है, जो कि दर्द की दवा होती है, और इसके अंदर यही पाया जाता है। पैथिडाइन के जो इसका मेन कंपोजिशन है, मेन मॉलिक्यूल है, इसी को देखते हुए आपको मार्केट में कई सारे और भी ब्रांड नेम्स मिल सकते हैं। उनकी कीमत ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप चाहो तो उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब लगाया जाता है? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, दर्द की दवा है, तो सीवियर टू मॉडरेट, कैसा भी दर्द हो, हल्का दर्द हो, तेज़ दर्द हो, वहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं तो दर्द में आराम मिलता है। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी जब होती है, आर्थराइटिस गठिया की बीमारी, या हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं उम्र के साथ चलते चलते, तो उन्हें कटकट की आवाज़ आती है, तो जब वो दर्द होता है तो बर्दाश्त से बाहर होता है, तो ऐसी कंडीशन में पैथिडाइन इंजेक्शन लगाया जाता है। तो वर्पेट इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। काम कैसे करता है? ये ब्लॉक करता है बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स को, उन मैसेंजर्स को जो कि पेन के सिग्नल्स को लाने ले जाने का काम करते हैं। हमारे ब्रेन तक पेन के जो सिग्नल्स हैं वो उनको ब्लॉक करता है, और विद इन फ्यू मिनट्स ये आपको आराम दे देता है। जहाँ पे अगर बात की जाए ट्रामाडोल और कोई डाइक्लोफेनिक टैबलेट की, तो वो टैबलेट के फॉर्म में दिए जाते हैं, और ये ओपॉइड एनाल्जेसिक्स होते हैं, तो इनके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, और ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं। तो ये जो पैथिडाइन है दोस्तों, इसकी लत नहीं पड़ती है, इससे आराम अच्छा मिलता है और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो इसको इस्तेमाल करते हैं। सावधानियां कुछ रखी जाती हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप शराब का सेवन नहीं कर सकते इसके साथ। जब भी आप इसको लेंगे तो शराब का सेवन ना करें, और डॉक्टर को बताएं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव्ड हैं या प्रेग्नेंट हैं, घर पे छोटा बच्चा दूध पीता है, ब्रेस्ट फीड मदर हैं, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर से बताना चाहिए। तो इन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। खास सावधानी ये दोस्तों कि जब भी इसको दिया जाता है तो लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट पर नज़र रखी जाती है, इनको मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि ये फंक्शंस बिगड़ जाते हैं कई बार, तो ये खास सावधानी रखना है। ड्राइविंग भी नहीं करना है, क्योंकि हल्का सा सेडेशन तो इसमें भी आता है। इफेक्ट्स को समझ लेते हैं। कई कई पेशेंट में देखा जाता है ड्राइनेस हो जाती है, उनके मुंह में मुंह सूखा सूखा रहना, या उनको थोड़ा सा क्या होता है कि रेडनेस आ जाती है स्किन के ऊपर, या कॉन्स्टिपेशन भी देखा जाता है, ठीक है, सर दर्द हो सकता है, यही इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। और अगर बात की जाए लगाने का तरीका, तो देखो डिपेंड करता है पेशेंट को, जब जब दर्द होगा, जब जब तकलीफ होगी तब लगाया जाएगा, SOS की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सुबह शाम भी लगाते हैं कई बार, और इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है इसको दोस्तों, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं बर्पेट इंजेक्शन के। और ये वीडियो मैंने आपको बर्पेट इंजेक्शन के बारे में बताने की पूरी कोशिश की है। वीडियो आपको अच्छा लगा है, यहाँ तक देख रहे हो, तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, यहाँ हम देते हैं आपको क्लिनिकल टिप्स, हेल्थ केयर और दवाइयों की जानकारी, बीमारियों की जानकारी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।